यार इसकी समझ नहीं आ रही पैंथर की, ये इतना शोर क्यों करता है? क्या हुआ पैंथर? हैं? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ तुम्हें खाना भी देता हूँ। खाना बल्कि तुमने दे दिया है ना, फिर क्यों शोर कर रहे हो यार? ये पता नहीं यार। अगर इसी तरह से खाम खाम में शोर करते रहोगे ना, मोहल्ले वाले तंग आ जाएंगे और तुम्हें भी कहेंगे इसको यहाँ से हटा दो। यार आपको पता है कि थोड़े से इशू होते हैं, तो ये इसी तरह से अगर करता रहा तो मसला हो सकता है। तो पैंथर यार समझ जाओ यार, हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मैं आपको दोस्तों किसी से मिलवाने वाला हूँ। काफ़ी भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बार बार कह रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई प्लीज़ मिलवा दें, कहाँ चला गया है वो। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। सिप्तान बुला के आओ, जाओ जाओ जाओ। ये देख रहे हो? हाँ ये मुझे दे दो, ये मैं इसका जब तक बताता हूँ। हाँ इसका मैं बताता हूँ कैसे आई है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ लेके आओ ना। क्या हुआ? पंजों से पकड़ लिया मुझे। छोड़ दो मैं ना, छोड़ दो, चलो लेके आओ। सुबह मिस्त्री भाई आए और उन्होंने बोला भाई एक मैना मेरे पास है, आप ना इसको रखना चाहें तो रख दें। उसको मैंने बोल लिया कि दे दें, लेकिन हम इसको कर देंगे अभी आज़ाद। तो आपको पता है जैसे कि हम जंगली परिंदों को ना आज़ाद कर देते हैं, जंगली जानवर हो गए, परिंदे हो गए, घर में रखना अच्छा नहीं लगता। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आपकी गाड़ी ने बचा दिया है, सलाम कर दो सबको। सलाम। तो शयान दोस्तों आ चुका है घर वापस। दरअसल ये गया होता कराची। कहाँ गया होता चाचू, किसके पास? कराची। हाँ तो हमारे पास आ चुका है शयान अब वापस। शयान इधर देखो ना, काफी भाई पूछ रहे थे तुम्हारा, शयान भाई किधर चला गया, किधर चला गया है? वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। हमने आपका घर भी बनवा लिया है, वो देखो उस घर में रहोगे? नहीं। आओ इसको आजाद करें चाचू, आ जाओ आ जाओ। आप अच्छा आप कर दो, यहाँ से पकड़ो ठीक है। हाँ चलो छोड़ दो, छोड़ दो। गई गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा आजाद किया। और ये देखो हमारा पपी भी आ चुका है, अब आपको मिलवाते हैं इससे। आ जाओ, कुछ नहीं कहता चाचू, वो अच्छा है ये, जैसे मुफासा नहीं था हमारा। आ जाओ, वो बहुत काटता था भाई। चलो आ जाओ, वैसे नहीं देखो। आयो कुछ नहीं कहता यार, मैं आपके पास नहीं हूँ। चलो आ जाओ। इसका नाम है अच्छा है, नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। किसका ये? पता नहीं किसका है। नीचे क्या कर रहा है ये? इसको पकड़ो ना जरा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। हाँ कोई है इसको मसला। आराम आराम से, आराम आराम से। ओए 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 ओए, ये क्या हुआ है? ये तो ठीक ठाक बैठा हुआ था आराम से। आजकल हमारे पास इस तरह से काफी परिंदे आ रहे हैं। हाँ परसों चिड़िया आई थी, आज सुबह मैना आई है, और ये कबूतर भी देखा। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट ये क्या है, पहले ये दिखाओ मुझे। ईगल है ये आपका? जी। ये तो नकली ईगल है, हमारा असली ईगल भी है ऊपर। चले ऊपर, चलो। मर गई है? नहीं मर नहीं गई, ऊपर चलो दिखाता हूँ। तो यार आज बल्कि याद है तो आप, हमने फाउंटेन की सफाई करनी, उसको भरना है। हाँ हाँ। ये काम कल पेंडिंग था, हो चुका है, मैं देख के आया हूँ अभी। अच्छा चलो फिर ऊपर, ऊपर चलो, इसको क्रॉस करना है अब। ये सारा कुछ टूटा हुआ है भाई आज तो। चलो हाँ, चलो भाई, शाबाश शाबाश। ओहो हमारे पास इतनी मछलियाँ है ना, 1000 मछलियाँ है, पता है? देखता देखते हैं, आ जाओ। ये देखो कितनी मछलियाँ हमारी नजर आ रही हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि पूरे फाउंटेन को साफ करते हैं और इसको करते हैं हम फुल। शायद इसमें नहाने? हाँ। नहाए? हाँ। चलो इसको फुल करते हैं और फिर यहाँ पर आपको नहलाते हैं, ठीक है? भाई ठंड है, कपड़े उतारूंगा क्या? नहीं कपड़े नहीं उतारना, थोड़ा सा बस ऐसे ही स्विमिंग करेंगे हल्की सी। चलो ठीक है, चलो यार सफाई शुरू कर दो। चलो भाई। तो अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि फाउंटेन को साफ और इसको फुल करने वाले हैं। चलो भाई लग जाते हैं काम पे। क्या हुआ क्या हुआ? तो सबसे पहले ये दीवारें साफ करेंगे, उसके बाद ये नीचे वाला गंदा ये साफ होगा, फिर इसको भर देंगे। अब वाकई नहाने के लिए तैयार हो शयान? हाँ। पक्की बात है, ठंड नहीं लगेगी? नहीं। ये रहे पौधे, ये भी रहे पौधे। चलो ये लो, और भी होंगे, बस यही है, यही है भाई, पता नहीं कौन सा है। तो यार हमने फाउंटेन को साफ कर ली है, उसके बाद पानी भी छोड़ दिया इसके अंदर, देखें इतना पानी हो गया है। तो जब यहाँ तक आएगा ना फिर बंद कर देंगे, और आज मछलियां तो नहीं लेने जा सकते क्योंकि लेट भी हो जाएंगे, और उसके पास आज आनी भी नहीं है, कल तक शायद आ जाए। तो कल जाएंगे मछलियां लेने। अभी ये भरने दो सिप्तान, ठीक है? मैं जाता हूँ, बल्कि साथ चलते हैं। अच्छा घास लेना है, अच्छा रैबिट्स के लिए, और तो नहीं बस रैबिट्स हैं, बकरे तो नहीं है। चलो आ जाओ, चलो पहले घास ले आते हैं फिर बाकी काम करेंगे। चलो चलो चलो, उसको देखो घास खाना है इसको। व्हाइट कलर वाला रैबिट नहीं है वो ढूंढो, छोटे वाला।
ये है यार छुपा हुआ था यार, इनको यहाँ पर ही घास डाल देते हैं धूप में। हाँ हाँ ठीक, उस वाले को उठा के जल्दी, वो देख कोने में छुपा हुआ क्या। हाँ ये गुड, शाबाश। चलो चलो, और इधर देखें सारे के सारे पौधे उन्होंने गिरा दिए। हमने यहाँ पर रखे थे दोस्तों, और उन्होंने समझा कि लेकिन ये प्लास्टिक के खा नहीं सकते। और यहाँ पर हमारा फाउंटेन हो गया है अब फुल, माशाल्लाह। देख रहे हैं अच्छा है, मुझे नहाना है अब। अब नहाना है, कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दो। क्यों? हाँ नहीं उतारना, नहीं उतारने, ठंड लग जाएगी, नहाओगे? तो यहाँ पर कछुओं का पानी भी ड्राई हो गया, तो हम क्या करते हैं इनको भी ना इसमें डाल देते हैं फाउंटेन। सही है, इनको साफ कर लो पहले, मट्टी लग जाएगी सारी, फाउंटेन गंदा हो जाएगा। तुम सयान को अंदर ना जाने, नहीं जाना भाई, नहीं जाना। तो हमने कछुओं को साफ कर लिया है और मुझे लगता है कि इनको भी डाल देना चाहिए। जी जा रहे, वो कहते हैं भाई जाना है, जिद कर रहा है। अच्छा यूं करते अंदर नहाना नहीं है, जाके फिर ठहर ऐसे। हाँ आपके साथ मैं भी आऊंगा, फिर कछुए भी डालेंगे तुम्हारे ऊपर। कछुए तो डालूंगा, कछुए तो डालूंगा, डाल दे एक एक, एक फिर डाल दे। ठीक है ओके, चलो भाई दिखाओ भाई कछुए। हाँ अपने जोजो को और उसके दोस्तों को भी फाउंटेन में डाल रहे हैं। अब हमारा फाउंटेन बन चुका है, श्यान की तरफ, श्यान की तरफ। ये देखे यार कैसे चल रहे हैं, काफी दिनों के बाद। चलो भाई तुम भी जाओ दो, और ये मुझे काट देना, ये क्या काट देना। अब ये खेलेंगे कूदेंगे बड़ी जगह, पहले तो छोटी सी तंग सी जगह थी, अब सही रहेंगे यहाँ पर। ये कछुओं को अंदर डाल दिया, तो आप तुम आ जाओ, खुद ब खुद आ जाएगा। हम काफी कोशिश करी, आ नहीं रहा, ठंड लग जाएगी आपको, इंजेक्शन लगेगा। बल्कि कछुए काटेंगे अभी तुम्हें, कछुए काटेंगे। आजो, आजो, आजो। अब तो आओगे, अब तो आओगे। सही है, चलो भाई चलो यहाँ से। अभी तो यहाँ पर सिर्फ कछुए हैं, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर, कुछ दिनों नहीं कल परसों तक, यहाँ पर प्यारी प्यारी मछलियाँ होंगी, ग्रीनरी होगी, यहाँ पर पौधे सौधे लगाने हैं। ठीक है, और फिर हमारा फाउंटेन में पहले की तरह हो जाएगा जैसे पहले होता था। जी अभी चलो, हमने दोस्तों इनको ना घास वगैरह डाल भी दिया और ये खा भी गई, देखो थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये बच्चा वापस आ गया, शुक्र है यार, उड़ गया था कल जो है ना, ये उड़ गया था और हम परेशान थे कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा। और मैंने सिप्तान को बोला है भाई अब ये नहीं आने वाला, लेकिन ये खुद ब खुद आया हुआ है। क्या बात है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी ये खुद आएगा। आजो आजो नीचे आजो, चलो चलो सारे आजो, चलो आजो आजो आजो। तो पैंथर को दोस्तों हमने खोल लिया है और इसको देने वाले हैं हम खाना। सोचा है कि थोड़ा सा इसको वॉक भी करा ली जाए और खाना भी दे दिया जाए शाम का। हाँ पहले खाना दे दो, बेचारा भूख लग रही है इसको। क्या हुआ क्या हुआ, यार जंपिंग बड़ी अच्छी करता है सिप्तान। ये आ जाओ पैंथर, यार दे दो बेचारे को, तंग नहीं करो सिप्तान, दे दो। हाँ, रख दो इधर, रख दो, इतना उतावल आराम से खाना चाहिए, भूखड़ है बहुत ज्यादा यार। पैंथू इधर कभी नहीं खाया क्या यार, रख दो दे रहा ना वो इधर। हाँ रख दो, चलो भाई खाओ, खा ले खा ले खा ले। यार देखिए कितना शौक से खाता है ये, मुफासा से इसकी स्पीड ज्यादा है सिप्तान, है ना। खाओ भाई खाओ। यार तुम मुफासा को कंपेयर क्यों करते हो इसके साथ? मुफासा बस याद आ जाता है, क्या करें। लेकिन ये कुत्ता है वो शेर है, तुम क्या कर रहे हो ये। अरे 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 यार ये तो काफी थका देता है यार, इसको बंद करो सिप्तान, बंद करते हैं यार। ओए मेरी सांस फूल गई सिप्तान, इधर आओ। ओहो यार इसको तो कुछ नहीं हुआ, हमारी सांस फूल गई है। बस पैंथर बस इतना काफी है। और जो शयान डरते हैं ना दोस्तों पैंथर से, कहते हैं भाई बंद होगा तो मैं आऊंगा मिनी ज़ू में, इसको खोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी तुम आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वहां पे बैठो रेस्ट करो, जाओ। थोड़ा पानी पैंथर को दे देते हैं, ज्यादा पानी ना इनको दे देते हैं। हट जाओ, ये लो पी लो,
यार इनका अब यार जल्दी से पाउंड बनवाएं ताकि हमारी डक्स भी खुश रहें। सही बात है, इनको पानी की बहुत ज्यादा आदत होती है और उन्हें बहुत ज्यादा खुश भी होती है। सही बात है, बहुत जल्द इनका घर बनेगा प्यारा सा। पहले हमारे ईगल ना उधर बैठा हुआ आराम से चुपके से, जू ही में आया हो ना फौरन ये भाग के आया मेरी तरफ। आ जाओ आ जाओ, ये यहाँ तक भी नहीं आ सकता यार, अभी तक इतना भी नहीं सीख पाया कि मैं छलांग मार के यहाँ पर आकर बैठूं। मैं यहाँ पर देखें गोश्त दिखा रहा हूँ, नहीं आ पाएगा, ऐसे देखता रहेगा बस, ये देखें बस नहीं आ पाएगा। हम इतना मेहनत करें इसके लिए कि भाई ये उड़ना सीखे और ये आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये है कि भाई इसको तो ये जगह पसंद आ गई है, ये अपने पर भी नहीं फैलाता, कुछ भी नहीं करता, हम क्या करें बताएं। यहाँ पर बिठा दिया तो इसको खिला देता हूँ मैं, ये लो बस खाने का पता है इसको कि किस तरह खाने, बड़ी बड़ी बोटियाँ बस, और कुछ नहीं आता इसको। यार आज आज नहीं मैं नहीं। अच्छा अच्छा, ये लो भाई ये लो, सिर्फ और सिर्फ ये खाना खा सकता है और कोई काम नहीं आता इसको। क्या आ रही है ये देख, मुर्गी मुर्गी भगा दिया, वेरी गुड, ये काम भी आता है इसको, अपना खाना बचाना भी आता है, खाना खाना भी आता है, बस और कुछ नहीं आता। आप भी खा लो बोटी अपनी, मेरी नहीं है वो ईगल की है। उस दिन तो आपने इस तरह से दाना दिया था परिंदों को, सारे उसके पास आ गए थे, लेकिन मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ये आ ही नहीं रहे, ना ये निकल रहे हैं बाहर ना ये आ रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है भाई मैं इनको अच्छा नहीं लगता, तो आप ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्या करता हूँ इस तरह ही डाल देता हूँ ऐसे जैसे पहले पड़ा होता था। देखें अब खाना शुरू हो गए ये जी चाचू, गौर से देखो वहाँ पीछे पड़े हुए हैं, ये लो शाम हो चुकी है दोस्तों, और मैंने मिनी जू की लाइटें भी ऑन कर दी हैं और हमने पैंथर को भी अंदर बंद कर दिया है और इसको अब सिपैन ना कवर कर रहा है ताकि रात के टाइम ठंडी हवा और ठंड इधर से ना गुजरे। तो हमने सेफ्टी रूम में सब परिंदों को भी बंद कर दिया, ऊपर वाले सारे परिंदे बंद हो गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। आज हमने फाउंटेन में पानी भी भर दिया और कछुओं को भी अंदर छोड़ दिया और आज छायान भी आ चुका है वापस घर, तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।